पूर्वांचल की धरती का वो बाहुबली जो ना तो किसी से डरता है और ना ही किसी के सामने झुकता है, लेकिन 2024 के चुनावी अखाड़े में टिकट ना देकर बीजेपी ने उसे नाराज जरूर कर दिया है। और यही वजह है कि अब ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने जुबान को धार देना शुरू कर दिया है। ब्रजभूषण शरण सिंह अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं और गोंडा की एक जनसभा में भाजपा सांसद का बागी तेवर देखने को मिला, जिसमें उनके निशाने पर थे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। अपने बेटे के प्रचार अभियान के दौरान उन्होंने सीधे तौर पर सीएम योगी के खिलाफ अपना निशाना साधा। क्या कहा वो सुनिए। बुलडोजर नीति का विरोधी घर बड़े मुश्किल से मिलता। मेरे भाइयों, ब्रजभूषण सिंह ये ऐसा व्यक्ति है जो आपके दुख और दर्द को समझता है, उसकी नाराजगी भी मैं झेल रहा हूं। सुना आपने ब्रजभूषण क्या कह रहे हैं? सीधे सीधे योगी को निशाने पर ले रहे हैं। साफ कह रहे हैं कि वो बुलडोजर नीति का विरोध करते हैं और इसके कारण किसी की नाराजगी भी झेल रहे हैं। यानी कि सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन घुमा फिराकर वो योगी को निशाने पर ले रहे हैं। सिंह ने ये सब कुछ तरबजगंज क्षेत्र के सोनौली मोहम्मदपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा। अपने बेटे को लेकर सिंह ने कहा कि उनके बेटे का भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनना तय था, कांग्रेस ने षड्यंत्र किया और अब वह सांसद बनने जा रहे हैं। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब ब्रजभूषण शरण सिंह ने योगी के खिलाफ बगावत की हो। इससे पहले भी वो ऐसा करते आए हैं। एक बार तो एक मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने यहां तक कह दिया था कि योगी तो किस्मत से सीएम बन गए। ब्रजभूषण का अपना रुबाब है, लेकिन उनके इस बयान से कहीं ना कहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जरूर नाराज हो गए होंगे, क्योंकि योगी का बुलडोजर मॉडल देश विदेश में अब अपराध के खिलाफ सिंबल बन गया है। ऐसे में उनके इस एक्शन वाली नीति पर ब्रजभूषण ने सवाल उठाया है। गौरतलब है कि ब्रजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश के कैसरगंज लोकसभा सीट से 6 बार सांसद चुने जा चुके हैं। इनमें 5 दफा वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर, जबकि 1 बार समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर एमपी रहे हैं। कैसरगंज लोकसभा पर 5वें चरण में वोटिंग है। वोटिंग की तारीख 20 मई है। इस बार ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर विवाद होने से भारतीय जनता पार्टी ने उनके बेटे करण भूषण सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। कैसरगंज की सीट अयोध्या के करीब है और इस सीट पर लंबे अरसे से ब्रजभूषण शरण सिंह का दबदबा रहा है। सिंह उत्तर प्रदेश में एक ठाकुर नेता के तौर पर जाने जाते हैं। हालांकि पिछले साल भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद से वह गंभीर मामलों में मुकदमा झेल रहे हैं, लेकिन चुनाव के वक्त योगी के खिलाफ बयान ये साफ दर्शाता है कि अब ब्रजभूषण ने बागी वाला रास्ता अख्तियार कर लिया है। ऐसे में देखना होगा कि पार्टी उनके खिलाफ क्या एक्शन लेती है। आपको क्या लगता है, ब्रजभूषण का बयान सही है या गलत, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।